केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। पीएम मोदी ने आज साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन किया। भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के शुभारंभ के साथ ही साहिबाबाद को दोहाई डिपो से जोड़ने वाली पहली नमो भारत ट्रेन को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूँ, जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मेरठ वाला हिस्सा 1.5 साल बाद पूरा होगा, उस समय भी मैं आपकी सेवा में मौजूद रहूंगा। पीएम मोदी का यह कथन इस बात की ओर साफ इशारा करता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव के नतीजे भी उनके ही पक्ष में आने वाले हैं। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि अब दिल्ली से मेरठ की दूरी और कम हो जाएगी। समारोह में मंच पर मौजूद रहे राज्यसभा सदस्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने ट्वीट किया है कि पावन नवरात्रि के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत चलाकर दिल्ली मेरठ के लोगों को सबसे बड़ा उपहार दिया है। देखिए समारोह की कुछ झलकियां। नमो भारत जैसी ट्रेनें हो या फिर मेट्रो ट्रेनें, इन पर भी 3,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। यहां दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग जानते हैं कि बीते वर्षों में किस तरह यहां मेट्रो रूट्स का विस्तार हुआ है। यूपी में आज नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर जैसे शहरों में मेट्रो आगाज दे रही है। कहीं मेट्रो चल रही है, कहीं निकट भविष्य में चलने वाली। आज भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन राष्ट्र को समर्पित हो रही है, आरंभ हुई है। लगभग 4 साल पहले मैंने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल कॉरिडोर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। आज साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक उस हिस्से पर नमो भारत का संचालन शुरू हो गया है। और मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहता हूं, जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। और ये मेरठ वाला हिस्सा 1-1.5 साल के बाद पूरा होगा, उस समय भी मैं आपकी सेवा में मौजूद रहूंगा। कि देश ने अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इस अत्याधुनिक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आपके यशस्वी नेतृत्व ने देखा है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हुए देश की पहली आरआरटीएस को आज शुभारंभ करने के लिए और कितनी शानदार रैपिड रेल है, 150 किलोमीटर तक
हम लोगों ने इस यात्रा में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में इसकी यात्रा स्वयं भी की। दिल्ली से मेरठ की दूरी को कम कर देगी यह सेवा। इससे पहले मेरठ को 12 लेन के एक्सप्रेस हाईवे के साथ जोड़ा जा चुका था और 12 लेन का 12 लेन का एक्सप्रेस हाईवे उत्तर प्रदेश में यह कभी एक सपना था, लेकिन आज मोदी है तो मुमकिन है यह सपना इस रूप में साकार होकर के उत्तर प्रदेशवासी भी देशवासी भी देख रहे हैं। क्योंकि जो दूरी 4.5 घंटे लगती थी आज मात्र 45 मिनट में दूरी को तय किया जा सकता है। और यही स्थिति रैपिड रेल की प्रारंभ होने के साथ अब दिल्ली मेरठ के बीच की दूरी को उसी रूप में कम करने में मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से इस उपहार के लिए आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आज आप स्वयं अपनी उपस्थिति के माध्यम से इस रैपिड रेल का उपहार देने के लिए विजयादशमी के पूर्व नवरात्रि के अवसर पर स्वयं गाजियाबाद में पधारे हैं। आपका मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।